टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सर कोई साहब आए बाहर, अपना नाम नहीं बताया लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो सर। अच्छा लगा कि तुम पंक्चुअल हो। दो बजे ऑफिस का ज्यादातर स्टाफ जो होता है वो लंच ब्रेक के लिए चला जाता है, पीछे कम लोग होंगे। और दूसरी बात यह है कि काम होने के बाद अंडरग्राउंड हो जाना जब तक मैं ना कहूं। अंडरस्टूड? यस सर, डोंट बी वरी, 110% आपको अच्छी खबर दूंगा। ये रखो, और अगर बाहर जाते वक्त कोई पूछे तो कहना मैं मीटिंग के लिए आया। श्योर। से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आई न्यू इट कि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है बुजदिल इंसान। इससे तो बेहतर था मैं किसी नौकर को यह काम दे देता, कम से कम नमक तो हलाल करता। वो नमक हलाल ही किया है मैंने, हलाल किया है, इसीलिए खामोश हूं। उसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी हुई है। आप पे कितना जहर भरा है, मुझे खुद पर अफसोस होता है कि मैं आपके कहने के ऊपर अपने भाई को मारने के लिए चला गया। खिलाती है मुझे खुद से। यू बास्टर्ड, तेरी ये औकात। मैंने आपको अपनी औकात बता दी ना, उस दिन आप दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेहतर है आप अपने बारे में सोचें। जी सर, आपको किससे मिलना? मिस आफरीन से मिलना है हमें। आपका नाम? वसीम, वसीम अख्तर। सर मगर आपका तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है उनके साथ। अमेरिका से आया हूं मैं, उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनसे कह दो कि मिसेस फरीदा ने कुछ चीजें भिजवाई है उनके लिए, उन तक पहुंचाना लाजमी है और मैं देकर जाऊंगा। हेलो मैम, ये कोई वसीम साहब और उनके कोई दोस्त आए जो आपसे मिलना चाह रहे हैं।
लेकिन आज तो मेरी कोई भी मीटिंग नहीं है। जी मैम, मैं भी यही बोल रही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से मिस फरीदा ने कुछ सामान भेजा आपके लिए, उनको देना जरूरी है आपको। अच्छा, अंदर भेजो। ओके मैम। जी सर, आप जा सकते हैं अंदर। यस प्लीज, आपकी तारीफ। अजी हमारी छोड़ें, हमारी तारीफ करता कौन है, सारी तारीफ है तो आपके लिए। न्याती हसीन है आप। व्हाट, क्या बोले जा रहे हैं, और काम क्या है, किस लिए आए हैं आप? बताते हैं मगर जरा प्यार से। अपनी हद में रहो, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। तो जानने ही तो आए हैं। गार्ड्स, मेरे करीब आए ना तो बहुत बुरा होगा। अरे रखता है इसका फोन का। अजान, अजान, आजादी की खुशियां मनाई जा रही हैं यहां पर। करोड़ों रुपए की बात हुई थी, कभी ख्वाब में भी करोड़ रुपया देखा है तुमने? मैं ऐसे भयानक ख्वाब नहीं देखा करती जो दूसरों का सुख और चैन छीन ले। और किस डील की बात कर रहे हैं आप, जिस पे आपने सिग्नेचर किए थे? हाँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप मेरे साथ शराफत से चलो, वरना। वरना क्या? वरना मैं जबरदस्ती करने का भी हक रखता हूं। शौहर हूं मैं तुम्हारा। शौहर? शौहर थे उमर खान, जिन पेपर्स पे आपने अपने होशोवास में सिग्नेचर किए, वो प्रॉपर्टी के नहीं, डिवोर्स के थे।
खान साहब बात यह है कि तमाम तर जायदाद और ये घर मरियम फातिमा के नाम था। मरने से पहले वो वसीयत कर गई थी जिसके मुताबिक तमाम जायदाद और घर की मालिक सिर्फ आफरीन बेग ही हैं। खुशी तो अभी अधूरी है हमारी। छोड़े मेरा हाथ। कहा था ना तुम्हें एक एक चीज का हिसाब लूंगा तुमसे। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े वरना मुंह तोड़ दूंगी। उस दिन जो तुमने हाथ उठाया था ना, भूला नहीं हूं मैं अभी तक। यार अचानक ये सब हो कैसे गया, मेरे तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है। पता नहीं कैसे मगर जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी की गारंटी ही नहीं है। भाई मैं तो कल ही रिजाइन दे रही हूँ। भला जिस ऑफिस में बॉस ही सेफ नहीं, वहाँ एम्प्लॉयज कैसे सेफ रह सकते। अरे जो भी हुआ मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। अब कौन सी बैड न्यूज सुनने के लिए रह गई है। तुम कभी अच्छी न्यूज भी लेकर आए हो। अब बताओगे भी या देखते ही रहोगे। उमर साहब का फोन आया था, वापस आ चुके हैं अपनी पोजीशन पे। क्या, चलो जी अब एक नई मुसीबत। पता नहीं कब जान छूटेगी इस आदमी से। अब ये बातें छोड़ो, ये असाइनमेंट चेक करो। उनकी तरफ से ईमेल आ चुकी है। मैं उस उमर खान को छोड़ूंगा नहीं। अहसान भाई काम डाउन। मेरी इमरान छोड़ो मुझे। अहसान भाई हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज काम डाउन। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बात। अहसान भाई मेरी बात तो सुने आप। प्लीज 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 देखें इंसान सिर्फ गुस्से में अपना नुकसान करता है, उसके अलावा कुछ और नहीं। प्लीज आप इमरान मुझे छोड़ो। अहसान भाई अगर हमें नुकसान हो गया तो क्या करें। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा इमरान, वहां पे आफरीन तकलीफ में, मैं क्या करूं। यहां बुजदिलों की तरह खड़ा रहूं कुछ ना करूं। कौन कह रहा है आप बुजदिलों की तरह खड़े रहे। आप करें लेकिन सोच समझ कर करें ना। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपका दुश्मन कितना समझदार है और आपके बारे में कितना जानता है। वो उसको पता है उसको कि आप गुस्से में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उसने ये भी प्लान करके रखा होगा। क्या करूं इमरान, में उसके अगले अटैक का मैं इंतजार करूं कुछ ना करूं। मैं नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप उसके अटैक का वेट करें, लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि आप अगर घर से इस वक्त चले गए तो आपके पीछे में आफरीन के साथ भी तो कुछ हो सकता है ना। समझ ही नहीं रहे आप। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर वाले तरह तरह के सवाल करेंगे तुमसे, अजीब अजीब बातें करेंगे और शायद तुमसे नफरत भी करें। तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अपना किरदार दिखाना पड़ेगा।
वो जो भी सोचे, लेकिन तुम्हें अपना किरदार दिखाना होगा। करो रीना, बेसब वादा करो करोगी? मैं आपसे वादा करती हूँ। हटो मेरे सामने से। आफरीन आई सेड लीव। यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट एनीमोर। अब तो मुझे रोकोगी? हाँ, हो कौन तुम? आखिर हो कौन तुम? कौन हो तुम? मैं हर उस चीज से आपको रोकूंगी जो आपके लिए नुकसानदेह है। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू। प्लीज हटो। I said, हटो अफरीन तुम। मुझे छोड़। अज़ान, मुझे कैसे छोड़ के जा सकते? अज़ान, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अज़ान! अफरीन? अफरीन, क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है? वो आप वहां, मैं। अफरीन, प्लीज मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं हूं तुम्हारे पास और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस, बिलीव मी। हसन, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। और जो तकलीफ मुझे हो रही है तुम्हें देखकर, आफरीन उसका क्या? तुम जानती थी उम्र के बारे में, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। आफरीन, तुम्हें क्या लगता है मैं उस उमर खान को छोड़ दूंगा? उस उमर खान से मैं हिसाब लूंगा, तुम्हारे हर एक आंसू का, तुम्हारी हर एक तकलीफ का। नहीं आज़ान, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम, प्लीज। आफरीन, मुझे जाने दो, मैं उस उमर को नहीं छोड़ूंगा। नहीं आज़ान, प्लीज प्लीज मत जाए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आपको नहीं पता वो इंसान किसी हद तक भी गिर सकता है। तो आफरीन, गिरा रहने दो ना से, जिस इंसान की औकात गिरी हुई हो उसे उसकी औकात बतानी चाहिए। प्लीज नहीं आज़ान, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट। नहीं आफरीन, बस आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बहुत हो गया। अगर उसने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं मरियम से किया हुआ वादा कैसे निभाऊंगी? प्लीज प्लीज मत जा। अच्छा आफरीन, अच्छा, प्लीज प्लीज रोना बंद कर दो, प्लीज। देखो, अच्छा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। अज़ान भाई, मायरा को आफरीन जी से मिलना था तो इसीलिए मैं इसको साथ ले आया। मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे? बहनें क्या कुछ एक दूसरे से छुपाती हैं? आप, आपको कुछ हो जाता तो? मायरा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना जज्बाती हो रही हो? वैसे भी तुम सब हो ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम मेरी शक्ल क्यों बिगाड़ रही हो? तुम जानती हो ना
कल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। कल तुम्हारा और आसान का निकाह है। अगर ऐसे परेशान होगी तो शक्ल बिगड़ जाएगी। आसान डर चाहिए। आप यूं तो मत गए। शाम जाके आराम करो। और फिर सुबह आना है ना, दैट्स इम्पोर्टेंट है। इमरान तुम्हें घर छोड़ते आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? रखूंगी। मैं कल मिलती हूँ। तुम भी। ऑफिस। ऑफिस। आजान, आप इतने खामोश क्यों हैं? अफरीन प्लीज, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं हूं ना आपके साथ, फिर क्या मुश्किल है? मैं आपका साथ दे रही हूं ना। नहीं आफरीन, तुम मेरे साथ नहीं। अजान, अजान, कैसे बताऊं आपको? शायद मुझे भी प्यारी है, पर अपनी बहन की इज्जत से ज्यादा नहीं। और वैसे भी तुम उनकी शक्ल क्यों बिगाड़ रही हो? तुम जानती हो ना, कल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। कल तुम्हारा और आसान का निकाह है। अफरीन, अफरीन, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अफरीन मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ अफरीन? अफरीन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अब तुम अपना वादा तोड़ रही हो अफरीन। प्लीज कहीं मत जाओ अफरीन। प्लीज अफरीन, प्लीज डोंट लीव मी अफरीन। अफरीन आई नीड यू। जिंदगी ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया,
जिसको चाहा मैंने आफरीन, उसने मुझे छोड़ दिया। और अब तुम भी। आधा करें चाहे मरियम मैम कुछ भी कहें या उमर सर मुखालफत करें, आप मायरा का साथ देंगे, उसको दुनिया की हर खुशी देंगे। Cause she deserve it. Say it, please. मायरा, अफीम मैंने तुमसे वादा किया है और तुम जानती हो मैं ट्रस्ट तोड़ने वालों में से नहीं। भाई आप अभी तक तैयार नहीं हुए। बस तैयार होने जा ही रहा हूं। क्या हुआ, सब ठीक है? आप खुश नहीं है शादी से? मैं खुश हूं। क्या हुआ, अच्छे लग रहे थे। थैंक यू भाई। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? इमरान सच बताओ या झूठ? सच ही कहना भाई। अब भला भाई भाई आपस में एक दूसरे को झूठ थोड़ी बोलते हैं। इमरान कुछ लोग होते हैं जिनको आप जिंदगी में कभी भी इनकार नहीं कर सकते। बस ये समझ लो ये शादी बस मैं एक वादा निभा रहा हूं। भले से आपकी खुशी इस सब में शामिल ना हो फिर भी। इमरान एक बार वादा कर लिया जाए तो वादा तोड़ा नहीं चाहता। भाई ना करें शादी, और अगर आपको कोई और पसंद है तो। खैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, गेस्ट आए हैं वो, तुम उनको जाके कंपनी दो, मैं तैयार होके आता हूँ। हसन यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं आपका। और आफरीन मैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से? तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। सारी बुरी आदतें छोड़ दी, इसे भी छोड़ दो। तुम क्यों जिद नहीं छोड़ देती आफरीन? क्यों नहीं होता है तुमको एहसास मेरे जज्बात मेरे एहसास का? क्यों नहीं समझती हो तुम? अजान देर हो रही है, चलो
आफरीन, तुम्हें एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ और अपने साथ। चलो चलो। मायरा, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं उस पास की। हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के सारी बातों को भुला के तुम्हें आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं। तुम सुन रही हो? आ जाओ, आओ। मौलवी साहब, निकाह पढ़वाना शुरू कीजिए। मायरा बेग, वल्दे उस्मान बेग, आपका निकाह इमरान अफिंदी, वल्दे सज्जाद अफिंदी के साथ बेवज हक के महर 10 लाख रुपया सिक्का राय जुल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको ये निकाह मंजूर है? मायरा बोलो। माहिरा बेग, वल्दे उस्मान बेग, आपका निकाह इमरान अफिंदी, वल्दे सज्जाद अफिंदी के साथ बेवज हक के महर 10 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको ये निकाह मंजूर है? इमरान अफिंदी, वल्दे सज्जाद अफिंदी, आपका निकाह मायरा बेग, वल्दे उस्मान बेग के साथ बेवज हक के महर 10 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? जिंदगी का पहला काम तुमने अच्छा किया, लेकिन मैंने आज तक तुमसे ज्यादा चालाक लड़की नहीं देखी। तुमसे कभी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, कभी तारीफ मत करना और कभी पॉजिटिव नहीं सोचना। मैं तो काफी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। एक तेरे आगे सब सूना लागे ना, तेरे जैसा कोई और प्यारे, बस अपने ढंग में रंग दे प्यारे, जिया रे प्यारे, जिया रे। बस एक गुजारिश मेरी साए में तेरे हरदम, बस एक मैं ही जीऊं, होंठों से जाम तेरे हर सुबह मैं सिराने,
बैठ के यूं पियूं तेरे बाजू में महफूज रह के मैंने दो जहां ये बुलाए लम्हों को सारे तेरे साथ जी के ये रोम रोम महकाए एक तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई ओ प्यारे जाओ इमरान तुम जाओ मायरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ भाई बस मैं जा रहा था मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था। हाँ 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 इमरान साहब आप क्या कह रहे थे क्या अजान भाई अपने आप को क्यों मजबूर कर रहे हैं शादी करके शादी करके आप पछताएंगे इस तरह की मजबूरी की शादी वो सब क्या था इमरान यार अगर तुम्हें मायरा पसंद थी तो तुम मुझे पहले बता देते मुझे क्यों इतनी टेंशन में डाला ऐसी कोई बात नहीं है भाई अब अगर खानदान का एक लड़का लड़की की जिम्मेदारी लेने से इनकार करे तो दूसरे होनहार लड़के को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है तो बस मैंने वही किया और कुछ नहीं अच्छा अब बीवी क्या आ गई हमारे भाई तो बहुत स्मार्ट हो गए आप फिक्र नहीं करें भाई अब बस आपकी बारी भी आने वाली है मेरी वाली वो एक्चुअली मैंने और मायरा ने ये प्लान किया है कि हम दोनों जाएंगे आपका रिश्ता लेने आफरीन मामी के घर इमरान क्या कह रहे हो तुम इमरान तुम अंदर जाओ मायरा तुम्हारा वेट कर रही है जी आपसे मैं बाद में बात करता हूँ फोन क्या हुआ आफरीन ये तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हुए कुछ नहीं सोचा जाने से पहले हमेशा के लिए कुछ लोगों को अलविदा कहती हुई जाऊं